क्या वारदात है जिसका खुलासा करने जा रही है? पलपल पुलिस ने जैसे चेकिंग किया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन पे हम काम कर रहे थे, तो हमें 3 युवक जो कि स्नैचिंग में थे उनको पकड़ा गया है और 5 वारदात उन्होंने पलवल जिले की कबूल की है। ये वारदात स्नैचिंग की वारदात है और जनरली ये लोग शाम के समय पे घूमते रहते थे और जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनके किसी का चेन काट लिया, किसी की बाली खींची, इस तरह की वारदात थी। मैं बताना चाहती हूँ कि ये तीनों ही स्कूल ड्रॉपआउट्स हैं और नशे की आदी थी। अभी तक रिमांड के दौरान कुछ और भी खुलासा हो सकता है, परंतु अभी तक ये जो वारदातें हैं ये कैंप और सिटी की वारदातें हैं। 5 अभी तक पता लगी है, बाकी हमने अनुरोध किया है कि न्यायालय से कि इसमें हमें रिमांड दी जाए और हो सकता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जो हमारी टेक्निक्स हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें और भी कुछ सफलता हासिल हो इनके अलावा। तकरीबन ये सारे लड़के जो हैं वो 18 से 30 साल की उम्र के हैं, यंग लड़के हैं। पहली बार पकड़ में आए हैं या पहले ही पकड़े जा चुके हैं? अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट टाइम ही पकड़े गए हैं और ये वारदातें इन्होंने रिसेंट वारदातें हैं इस साल की। स्नैचिंग को लेकर जैसे कि मेरे बाकी क्राइम की अप्रोच है वो सारी रहेगी कि हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे जिससे कि हम प्रिवेंशन कर सकें क्राइम की, जहाँ जहाँ लग रहा है कि हो सकता है वहाँ पे पहले प्रिवेंट करेंगे और फिर जो ऐसे लड़के हैं जो इस तरह के हैं उनको पकड़ के आप देख सकते हैं कि हमने अब एक्टिव मोड में पलवल पुलिस काम करेगी और ऐसे लड़कों को हम सलाखों के पीछे भिजवाएंगे और थर्ड अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके उनको सजा भी जरूर करेंगे। जी अभी रिमांड के लिए जा रहे हैं? अभी रिमांड के लिए, रिमांड के दौरान रिकवरी भी होगी और फिर और भी एक और इसमें चीज़ हम करेंगे कि जो भी रिसिपियंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है जिनके ज़्यादा भी इन्होंने बेचा उसको भी हम मुजरिम बनाएंगे। रिकवरी एग्जैक्ट के जो डिटेल्स हैं वो रिमांड के बाद रिकवरी। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है? जी पलवल से ही हुई है लोकल और हमने इनको ड्यूरिंग द चेकिंग और इन्फॉर्मेशन लगा के पकड़ा गया है।